subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दक्षिण कोरियाई न्यूज एजेंसी की ओर से सैमसंग के बारे में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सैमसंग अगले साल से अपने स्मार्टफोन के साथ एक विवादग्रस्त कदम उठाने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कंपनी अगले साल से अपने स्मार्टफोन के साथ रिटेल बॉक्स में चार्जर को शामिल नहीं करेगी, यानी अगले साल से कंपनी अपने स्मार्टफोन के साथ ग्राहकों को चार्जर मुफ्त में नहीं देगी। संभावना है कि कंपनी ने इस कदम से स्मार्टफोन की कीमत में गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट में भी बताया गया कि फिलहाल इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के पब्लिकेशन को यही जानकारी दी है कि सैमसंग इस योजना पर विचार कर रही है। दक्षिण कोरियाई पब्लिकेशन 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग अपनी स्मार्टफोन रिटेल बॉक्स में अगले साल से चार्जर को शामिल नहीं करेगी, इसको योजना बना रही। माना जा रहा है कि कंपनी इस कदम से स्मार्टफोन की लगातार बढ़ती कीमत को कम करने के लिए उठा रही है। रिपोर्ट में माने तो स्मार्टफोन में 5G सपोर्ट को पेश करना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वर्तमान में हर किसी के घर में कोई चार्जर मौजूद है, चाहे वो USB टाइप सी चार्जर हो या फिर टाइप ए चार्जर हो। तो ऐसे में नए स्मार्टफोन के साथ चार्जर को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल इस बारे में सैमसंग ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, यहाँ केवल अटकलें हैं। यदि अगले साल से ऐसा होता है तो सैमसंग के फ़ोन की कीमतों में गिरावट देखी जाएगी, लेकिन कितनी फिलहाल यह कहीं नहीं जा सकता। रिपोर्ट का कहना है कि चार्जर स्मार्टफोन को मांगे कंपोनेंट में शामिल नहीं होता, तो ऐसे में चार्जर के स्मार्टफोन के रिटेल बॉक्स में हटाने के बाद भी स्मार्टफोन की कीमत में ज़्यादा कमी नहीं देखा जा सकती। हाल ही में खबर आई थी कि एप्पल भी अपने आईफोन 12 के रिटेल बॉक्स में वायर्ड हेडफोन के साथ साथ चार्जर को हटाने वाले हैं। यकीन है स्मार्टफोन इंडस्ट्री द्वारा उठाया गया यह कदम होने वाला है, बहुत बड़ी कदम उठाएं, क्योंकि यदि यह दो बड़ी कंपनियां इस तरह के कदम उठाती है तो दूसरे स्मार्टफोन निर्माता को भी इसे अपनाना पड़ेगा। अब देखे जाने वाला बात यह है कि आखिर ये कितने सच निकलते हैं और आखिर यह 2021 में लॉन्च करता है या फिर नहीं। तो ऐसे ही टेक्निकल से जुड़ी हर वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए महाकाल टेक चैनल को। मिलते चले अगली टेक्निकल खबर में। अभी इतना ही, धन्यवाद। जय जवाहर, वंदे मातरम। धन्यवाद।